अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं ऑमलेट फ्राई करना बता रही हूँ। ये सबको आता लेकिन बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जो भी बैचलर और बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये मैं ऑनियन को ऐसे छोटे पीसेस में चॉप करके रख ली। मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल ली, नमक आपके हिसाब से ऐड कर लेना इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी पाव टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चॉप कोरिएंडर। चॉप कोरिएंडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अंडा नहीं डाल देना, ये पहले मिक्स करे बाद हम अंडा डालेंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर एक अंडा डाल ली इसके अंदर में। अब हम अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। आपके पास एक बीटर है तो आप उससे भी फेंट ले सकते हैं। फेंटे से तो बहुत ही अच्छा फ्लफी बनता अंडा, एक ऑमलेट अच्छा फ्लफी बनता फेंटने से। एक तवे पे मैं तेल गरम होने के लिए रख डाली। 2 टेबलस्पून ऑयल है, ये ऑयल हीट हो गया। अब हम इसमें फेंट के रखे सो अंडा इसके अंदर डाल देंगे। अंडे को हम एक साइड अच्छा हुए बाद दूसरी साइड पलटा लेंगे। ये एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया तो मैं दूसरी साइड टर्न कर ली मैं अंडे को। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे आप रोटी के साथ या खाने के साथ साइड डिश के सर का भी खा सकते हैं, इसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अब ये एग ऑमलेट बन के रेडी हो गया। इसे आप लोग रोटी के साथ या ब्रेड के साथ या खाने के साथ भी साइड डिश के सर का खा सकते हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बनाई, जो भी फर्स्ट टाइम किचन में जाके कुछ भी पकाना सोचते उनके लिए बनाई मैं ये। आप लोग भी इसे एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को ये एग ऑमलेट की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।